से अंदर बुलाया हमने खुद को, प्यार से अंदर बुलाया हमने थपकी दे फिर उसे सुलाया हमने, थपकी दे फिर उसे सुलाया हमने, यूं ही मत रूठ जाया करो हर किसी से, यूं ही मत रूठ जाया करो हर किसी से, बड़ी मुश्किल से दिल को समझाया हमने, चली है पता नहीं भीड़ क्यों पीछे पीछे, चली है पता नहीं भीड़ क्यों पीछे पीछे, बताओ किसको घर पहुंचाया हमने, दहलीज लांग कर तब ही आई मौत को जब बुलाया हमने उदास है हर कोई पता नहीं क्यों कर, उदास है हर कोई पता नहीं क्यों कर, तन्हाई को नहीं बिखराया हमने, परेबी को रहबर मान लिया दीक्षित सच में बड़ा धोखा खाया हमने, खुद को प्यार से अंदर बुलाया हमने, थपकी देकर फिर सुलाया हमने। भावना शीर्षक से कुछ कहना चाहूँगी कि समर्पित संस्कृति की भावना, प्रेम की भावना, ईमानदारी की भावना से जो काम किया जाए वो बहुत अच्छा और सुंदर होता है। वो मेरे इसी भाव से कविता है। भावना जैसी हो जिसकी वैसा वो किरदार होता है, भावना जैसी हो जिसकी वैसा वो किरदार होता है, भावना अगर हो सुंदर तो सुंदर संसार होता है, भावना अगर हो सुंदर तो सुंदर संसार होता है। भावना हनुमंत की देखी तो कितनी गहरी है, भावना हनुमंत की देखी तो कितनी गहरी है, राम का नाम लेकर ही समंदर पार होता है, राम का नाम वैसा वो किरदार होता है। माटी कुम्हार सोना सुनार के समर्पित होता है, माटी कुम्हार सोना सुनार के समर्पित होता है, दोनों का अंत देखिए तो कितना ही सुंदर होता है, उसके बहुत सुंदर बर्तन और बहुत सुंदर आभूषण बनते हैं। माटी कुम्हार सोना सुनार के समर्पित होता है, दोनों का अंत देखिए तो कितना ही सुंदर होता है, भावना जैसी हो जिसकी वैसा वो किरदार होता है, बिना मेहनत सब मिल जाए ऐसा कल्प वृक्ष नहीं होता, बिना मेहनत सब मिल जाए ऐसा कल्प वृक्ष नहीं होता, शिखर ऊंचाइयों का चढ़ना इतना आसान नहीं होता, शिखर ऊंचाइयों का चढ़ना इतना आसान नहीं होता, दाना भी खाक में मिलकर गुलों गुलजार होता है, दाना भी खाक में मिलकर गुलों गुलजार होता है,
भावना जैसी हो जिसकी, वैसा वो किरदार होता है। भावना अगर हो सुंदर तो सुंदर संसार होता है। प्रिया जी से कि वो एक अंग वस्त्र जो है वो कर्नल जी को भेंट करके और फिर इनका अभिनंदन करें, क्योंकि कर्नल जी का भी सेना से संबंध रहा है और अगर सैनिक सैनिक का सम्मान करे तो इससे बड़ी और क्या बात है। अभी तालियां बजाएं। अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो सैनिकों की वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है और एक बार एक धन्यवाद जरूर मैं प्रेषित करूँगा अपना। वैसे मैं सुनाता नहीं हूँ लेकिन अब फौजी को टास्क दिया गया है जरूर बचा लेने। तो वीर रस, शांत हूँ स्थिर हूँ अपितु गहरा भी हूँ मैं। बहुत बढ़िया। शांत हूँ स्थिर हूँ अपितु गहरा भी हूँ मैं, सैकड़ों तांडव लिए ठहरा भी हूँ मैं। हूँ अहिंसा शांति का सच्चा उपासक, भीर और लाचार हूँ किंचित नहीं मैं। हो कदाचित विनय अनुनय व्यर्थ मेरे, अधम दंडित करने को शंकित नहीं मैं। मेरे कोमल भाव मेरे आचरण को, मेरी दुर्बलता समझ मत भ्रमित होना। हूँ मैं जितना शांत उतना रौद्र हूँ मैं, मेरे अमृत का सहज है गरल होना। मैं कमल कोमल हूँ सीने में लगाए, एक दावा नल हूँ अंतस में दबाए। शांति पूजक हूँ प्रलय भी मुझको भाए, मत विवश कर शस्त्र मेरे कर में आए। हूँ विनय की मूर्त यदि मैं, क्रोध की अभिव्यक्ति भी है। हूँ विनय की मूर्त यदि मैं, क्रोध की अभिव्यक्ति भी है क्षमा यदि आचरण में दंड दूं वह शक्ति भी है। प्रीत को मैं प्रीत से उत्तरित हूंगा, प्रीत को मैं प्रीत से उत्तरित हूंगा, तथा स्वागत कर तिलक माथे धरूंगा। किंतु यदि छल कपट के प्रपंच होंगे, जड़ से निर्मूलन प्रचुर प्रसंग होंगे। शील को चंदन स शीतल, मीत को वंदन स निर्मल, हठी और उदंड को विराम हूं मैं, शठों को दंडधारी राम हूं मैं। शांत हूँ स्थिर हूँ अभी तो गहरा भी हूँ मैं, सैकड़ों तांडव लिए ठहरा भी हूँ। मुझे भी बचपन में पड़ी दो लाइनें याद आ गई। क्षमा क्षमा शोभती उसको संग, जिसके पास कर्म हो उसको क्या जो दंतहीन विष रही थी नींद सरल हो। बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा शेष साहित्य सदन की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सुरेश लता अवस्थी जी से कि वे अपने रचना प्रस्तुत करें और धन्यवाद को अनुसर करें रचना लेकर प्रस्तुत करें। मेरा बचपन में मुझे आप दोनों के दिन की याद आ रही है। बचपन में जब वो पढ़ते थे तब हमारी जो कविताएं होती थी वो देश प्रेम इनके जैसी होती थी। मुझे वो चार लाइनें बचपन की याद आ रही हैं कि हम उसको बड़े जोश से बोलते थे। तो ये उस समय गुरु गोविंद सिंह का वो था जो जोरावर सिंह जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो दीवारें गारे चुनो रखो इंटें गारे चुनो दीवारे हथियारे चुनो दीवारे हथियारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी यही दीवार बोलेगी।
हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो। और वो पंक्तियाँ जो मैंने बचपन में पढ़ी थी ऐसी कैसी, तो मेरी कविता आज मैं यही बोल देती हूँ जो हमारी मैडम कवित्री भारद्वाज जी ने बोला है, वही वैसी ही मेरी कुछ कविता है बेटी के बारे में। उसको तो चुप रहना है, उसको तो चुप रहना है, क्योंकि जब आजकल जो परिवार बिखर रहा है उसके लिए रिश्ते जो निभाने हैं तो फिर थोड़ा सा सहन शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो इसलिए आज परिवार बिखर रहे हैं। तो उसको तो चुप रहना है, एक गर्भ से निकले दोनों, एक गर्भ से निकले दोनों हैं वो बहन और भाई, भाई तो अपना है घर का लेकिन बहन पर बचपन से, लेकिन बहन पर चली गई ससुराल में बहना, चली गई ससुराल में बहना अपनी गृहस्थी बसाने, और भाई भी शादी करके गृहस्थी लगा बना, माता पिता दोनों को छोड़ा, माता पिता दोनों को छोड़ा, छूटा उनका आंगन, माता पिता दोनों को छोड़ा, छूटा उनका आंगन, अब वह सब कुछ भाई का है, अब वह सब कुछ भाई का है, छूट गया मायके से दामन, किसी ने जन्मा किसी ने पाला, किसी ने जन्मा किसी ने पाला, कोई आया ब्याह ले गए, क्या है दुनिया की ये रीति, क्या है दुनिया की ये रीति, क्यों बेटी के ऊपर बीती, क्यों बेटी के ऊपर बीती, ना तो माँ का घर अपना है, ना कोई हक ससुराल में, ना तो माँ का घर उसका है, ना कोई हक ससुराल में, वह तो बस एक बेबस, वह तो बस एक बेबस है जो बंधी है माया जाल में, माँ बनकर बच्चों को पाले, पत्नी बनकर गृहस्थी संभाले, अपने पीछे छूट गए जब बेगानों को ही गले लगा ले, अपने पीछे छूट गए जब बेगानों को ही गले लगा ले, अग्नि के फेरों में बंद कर, अग्नि के फेरों में बंद कर, उसको हर वचन निभाना है, उसको हर वचन निभाना है, सीता की तरह हर दुख सहकर, सीता की तरह हर दुख सहकर जीवन आदर्श सिखाना है, जीवन आदर्श सिखाना है, छूट गया जब साथ राम का, छूट गया जब साथ राम का, ना रोई ना चिल्लाई थी, ऋषियों की सेवा करते लबकुश से पीत लगाई, उसको तो धरती बनना है, उसको तो धरती बनना है, और दुख सुख में ही खुश रहना है, और दुख सुख में ही खुश रहना है, सिंदूर की लाज निभाने को उसको तो बस चुप रहना है, सिंदूर की लाज निभाने को उसको तो बस चुप रहना। बेटी बेटी तू धरती अंबर है, बेटी तू धरती अंबर है, और तू सृष्टि का संबल है, और तू सृष्टि का संबल है, माँ दुर्गा का अवतार है तू, माँ दुर्गा का अवतार है तू, और सब रिश्तों का आधार है तू, और सब रिश्तों का आधार कि वह अपनी रचना तो अवश्य सुनाए, परंतु आज मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, शब्दों का शब्द रूप है काव्य, मानव होना
भाग्य है कभी होना सौभाग्य आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है। बिल्कुल मैं ये बोल रहा था, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य, तो ये एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और इस बज़म में खास करके जो हमारे बीच में मौजूद हुए आकर के डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, इनके साथ इनके शरीक हयात हैं डॉक्टर रणजीत जीवन कौर जी, और यहाँ पर इनके साथ इसके अलावा जो बाहर से मौजूद हुए हैं आकर के श्री अरविंद असर जी, प्रदीप गर्ग पराग जी, अजय अज्ञात जी और विकास राणा फिक्र जी, ये आप सबका और शेर साहित्य सदन के सभी भाइयों का, बहनों का, बेटियों का जो है वो हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम जो है वो एक संयुक्त रूप से चल रहा है, अनुज आचार्य जी का और ये हमारे शेर साहित्य सदन का संयुक्त प्रयास है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी मूर्तियां जो हैं वो आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, आपको सुनने का मज़ा आया है। अपनी अपनी विधा में हर एक आदमी अपना अपना असर रखता है और अपनी मतलब उसकी पकड़ है, तो लिखने को तो बहुत कुछ लिखा होता है हर एक आदमी ने, उसका मन भी होता है कि मैं सब कुछ सुना दूं जो कुछ लिखा है, लेकिन समय की मजबूरी होती है, तो इस करके जो है वो हमें, मैं क्षमा चाहता हूं कि हमें ये कहना पड़ता है कि हाँ थोड़ा शॉर्ट करिए, तो मैं ज़्यादा ना कह करके अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाता हूँ। एक कविता सुनिए जो अभी कुछ दिन पहले लिखी थी, तुमने तो अपनी एक ऊंचाई देखी है, तुमने तो अपनी एक ऊंचाई देखी है, क्या बापू के पांव की विवाई देखी है, तुमने तो अपनी एक ऊंचाई देखी है, क्या बापू के पांव की विवाई देखी है, या क्या बापू के पांव विवाई देखी है, पर प्रसव वेदना माँ की तुम क्या जानो, प्रसव वेदना माँ की तुम क्या जानो, तुमने तो अपनी एक कमाई देखी है, तुमने तो अपनी एक कमाई देखी है, और क्या देखे हैं छाले उसके कांधों के, क्या देखे हैं छाले उसके कांधों के, क्या उसकी जग रसवाई देखी है, क्या उसकी जग रसवाई देखी है, और तुम पहनी है महंगी जीन विदेशी, क्या उसके कुर्ते की तरपाई देखी है, तुमने पहनी है जीन विदेशी, क्या उसके उसके कुर्ते की तरपाई देखी है, देखे हैं क्या माँ के आंचल के पैबंद, देखे हैं क्या माँ के आंचल के पैबंद, पल्लू में टॉफी और मिठाई देखी है, पल्लू में टॉफी और मिठाई देखी है, कितनी रातें जागी है वो तुम्हें सुलाने को, कितनी रातें जागी है वो तुम्हें सुलाने को, पर क्या उसके भीतर की तन्हाई देखी है, क्या उसके भीतर की तन्हाई देखी है, और अपनी आंखों पर तो है जचता महंगा चश्मा, अपनी आंखों पर तो जचता है महंगा चश्मा, क्या माँ की आंखों की बीनाई देखी है, क्या माँ की आंखों की बीनाई देखी है, और एक फटा सा कंबल उसका माघ महीना, एक फटा सा कंबल उसका माघ महीना, क्या जयपुर की अपनी यार रजाई देखी है, क्या जयपुर की अपनी यार रजाई देखी है। तो ये चंद पंक्तियाँ थीं, और अगर इजाजत हो तो एक पंजाबी में लिखा हुआ गीत उसके दो बंद सुनाना चाहूँगा। मेहरबानी। दुनिया च शान, दुनिया च बखरी सी शान, पंजा पानिया दी। अज का दिन जिहड़ा विसाखी का है बहुत महत्व वाला दिन है, बहुत सारिया चीज़ा इस दिन जिहड़ियां साढ़े इतिहास में हिंदुस्तान के घटियां, खालसा पंथ की नींव भी रखी है, जलियां वाला बाग का जिक्र आ गया है, अज विसाखी का त्यौहार भी है, पूरे मतलब
नवरात्रे भी है, चले पंजवा नवरात्र मां का। देखो ये कुछ दिन पहले लिखिया सी, कल एक मानसरोवर साहित्य मंच का एक लाइव प्रोग्राम सीगा, उहदे विच भी मैं सुनाई है। दुनिया च बखरी है शान पन्ना पानिया दी, अणख जवान सोने हाण दिया हाणिया दी। दुनिया च बखरी है शान पन्ना पानिया दी, अणख जवान सोने हाण दिया हाणिया दी। मिलदियां कित्थे हुण निम्मा हेठ मंजियां, होइयां हुण सारियां ही दुकियां भी पंजियां। डुबा नशियां च रंगला पंजाब, अखियां च नीर बगदा ओ कोई समझे ना, कोई समझे ना दिल वाली पीड़। अखियां च नीर बगदा, दुनिया च बखरी है शान पन्ना पानिया दी। अणख जवान सोने हाण दिया हाणिया दी। सखणियां चाटियां विचूर दियां कोणियां ते, बोणी साडी सोच पुजी जाके हुण बोणियां ते। सखणियां चाटियां विचूर दियां कोणियां ते, बोणी साडी सोच पुजी जाके हुण बोणियां ते। कीड़ा लग गया इसनू अजाब, अखियां चो नीर बगदा वेख लगदा है दिल बिच तीर। अखियां चो नीर बगदा, दुनिया च बखरी है शान पन्ना पानिया दी। अणख जवान सोने हाण दिया हाणिया दी। धन्यवाद। कविता प्रस्तुत करने जा रही है, इसका शीर्षक है दस्तूर। ये कविता एक बेटी के भाव पर, जब बेटी अपने बाबू के आगमन से विदा होती है तो वो अपने पिता से क्या प्रश्न पूछती है, मैं गाने के माध्यम से प्रस्तुत करूँगी। ना जाने रीत है कैसी, कैसा ये दस्तूर, ना जाने ये रीत है कैसी, कैसा ये दस्तूर। बेटा तेरे पास रहे माँ, बेटी तुमसे दूर हो बाबा, ये कैसा दस्तूर हो बाबा, ये कैसा दस्तूर। साथ पले हम, साथ बढ़े हम, साथ ही देखे सपने, घर छूटा आंगन छूटा और छूटे सारे अपने। तू अपनों के बीच है भैया, तू अपनों के बीच है भैया, मैं अपनों से दूर ओ बाबा, ये कैसा दस्तूर ओ बाबा, ये कैसा दस्तूर। जिनको कभी देखा न सुना था, उन संग प्रीत लगाऊं, बचपन जिनके साथ गुजारा, कैसे उनको बुलाऊं। परदेश में बैठी तेरी लाडो, मिलने से मजबूर हो बाबा, ये कैसा दस्तूर। अब धनवान व्यक्ति की परिभाषा देते, कहती हूँ कि बेटी जिसके पास नहीं है
वो कैसा धनवान, घर में जिनके होती बेटी वो सबसे बलवान। क्यों? तोड़ के टुकड़ा अपने जिगर का, तोड़ के टुकड़ा अपने जिगर का, करता खुद से दूर हो बाबा। ये कैसा दस्तूर। अंतिम बंद। धन का जितना दान करो तुम, दे दो हीरे मोती, कन्या दान वही कर पाता जिस घर बेटी होती। बेटी तो है माँ की छाया, बेटी तो है माँ की छाया, और पिता का गरूर हो बाबा। ये कैसा दस्तूर हो बाबा, ये कैसा दस्तूर। इनकी तरफ देखिए, आप खड़े होके लीजिए मैडम। खड़े क्या हारमोनियम होता तो इस गीत का आनंद ही कुछ और होना था। पूरी पारंपरिक इनको हारमोनियम पर भी है और खुद ही लिखते हैं, खुद ही गाते हैं, म्यूजिक भी बहुत से गानों में खुद भी दिया है, तो बहुत बहुत आभार। बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। अब तो वक्त आ गया है आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी के पास चलने का। तो बड़ी शांति से और बड़े इत्मीनान से ये हम सबको सुन रहे थे, तो दो पंक्तियों से मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग खुशबू से अंदाज़ा लगा लेते हैं, लोग खुशबू से अंदाज़ा लगा लेते हैं, फूल को फूल बताने की ज़रूरत ही नहीं, फूल को फूल बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो इन पंक्तियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहिल जी से कि वे अपने अनुभव भी हमारे साथ साझे करें और हम उनकी कविता और रचना भी सुनने के बहुत ज्यादा आप सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राही जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने फूल मुझे बताया वो एफ डबल एल वाला नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। पंजाबी कुछ कहावत है की है कि लड़ाई तो लस्सी नो जिन्ना मर्जी बता दो। बिल्कुल, तो मैंनू लगता है कि लड़ाई लस्सी तो कवि सम्मेलन नो जिन्ना मर्जी बता दो। आप सारे बड़े वधिया कब तो कबती हो रहे सन, सो घट ही मौका मिलता है एवं कब तो कबती होने का, पर चलो अजे भी मैं लगता है कि छोटा ही होया कवि सम्मेलन, ज़्यादा व्डा नहीं गया, क्योंकि जो महानुभाव हमारे साथ और हमारे सामने बैठे हुए हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, और बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, यहाँ प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, एनसीसी ट्रेनिंग मैंने ली है और रहा हूँ काफ़ी समय में, तो वहाँ एक बात चला करती थी और मैंने उसमें वो एक उसकी स्क्रिप्ट बनाकर भी पेश की थी कि एक कवि जो है वो उसकी डेथ हो गई, यमराज यमदूत आए और उसको ले गए, वो गलती से ले गए, वो किसी और को लेके जाना था, जैसे वो एक है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका नए मेहमान के काम की हिंदी में बड़ा चलता है, राइटर का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उसमें मेहमानों ने जाना किसी घर में होता है, पहुंच किसी घर में जाता है, वो किसी कवि के घर में पहुंच जाता है, तो कवि को पकड़ कर ले गए वो। वहाँ जब धर्मराज के सामने कवि प्रस्तुत हुआ, उन्होंने कहा अरे ये तो गलत ले आए तुम लोग,
है ना, इसको तो ये तो थोड़ा था, ये तो दूसरा कोई था, नाम एक था लेकिन वो झुके आसमान जैसा चक्कर पड़ गया वहाँ, राजेंद्र कुमार कोई और था, उसको ले कोई और गए, इसको वापस करके आओ। अब वो कवि था बेचारा, और कवि तो बड़े काड़े होते हैं कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कवि से मेरा भी छोटा करो, एक रचना सुनाओ बस। उन्होंने पकड़ के दाह संस्कार भी कर दिया। अब वो यमदूत आए और तो देखा यार तो दाह संस्कार भी हो गया, फूल भी चुक लिए, उठाना भी होने वाला है, तो वो वापस गया, बोले कि वो तो बड़े काले निकले कवि लोग, उन्होंने तो दाह संस्कार भी कर दिया, अब क्या करें इसे, बोले इसकी तो बहुत उम्र बाकी है, इसको वापस भेजो। तो थोड़ी देर बाद एक आया नेता का, नेता की डांच हुई, धर्मराज ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भाई अब नेता के शरीर में चले जाओ। बोला नहीं नहीं मैंने नहीं आना नेता के शरीर में, इतना भ्रष्टाचार कौन करेगा वहाँ, मुझे नहीं करना ये भ्रष्टाचार वगैरह। उसने ठीक है कोई और अच्छा आता है तो फिर दे देना। थोड़ी देर बाद में एक पूंजीपति एक डांच हुई वो आ गया, बोला मैं तो शोषण नहीं कर सकता दुनिया का, मैं तो नहीं आऊँगा इसके शरीर में। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आ गया वहाँ, बोले आप इसके शरीर में चले जाओ, है ना, मैं यहाँ भी नहीं जाऊँगा, ये तो मुझसे तो नाकों पे खड़े होकर पैसे नहीं हटे जा सकते। कहीं आए और इस तरह से वो सबको रिजेक्ट करता है, लंबा हो जाएगा तो 175 गलियों वाली हो जाएगी, हम लोग तो यही बस करता हूँ। और आखिर में वो एक सामने उनके एक सैनिक का आया और कवि से कहा कि एक सैनिक अभी अभी शहीद हुआ है सीमा पर, उसके शरीर में जाओगे? कवि ने छट कहा हाँ मैं उसके शरीर में, क्योंकि मुझे एक बार फिर देश पर शहीद होने का मौका मिला। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और ये इतने प्रबुद्ध लोग, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने समाज की क्रीम है, मक्खन है, उसका शिखर है, और आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और अनुज जी तो कह रहे थे कि छोटा सा कवि सम्मेलन, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, मुझे लग रहा है कि सारा हिमाचल और फरीदाबाद और बाहर से प्रबुद्ध सब लोग जो है वह एकत्र हुए हैं, और इसके लिए मैं अनुज जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ आया और यहाँ आकर आप सब लोगों से मिला। ये बहुत बड़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनका नाम अनुज जी क्यों है, इनको आज से हम अग्रज जी कहा करें वो सबसे बेहतर, मेरे लिए ये अग्रज जी हैं, भले वो दुनियावी सिस्टम में कहा गया था कि गाइड वगैरह हूँ, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन अनुज जी मेरे अग्रज ही हैं। और बहुत अच्छा उनका लगा कि उन्होंने मुझे इस जगह पर बुलाया और मुझे आप सब लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया। इसी तरह से सुरेश लता जी से बात हुई, शक्ति जी से बात हुई, और वाकई शेष साहित्य सदन और राष्ट्रीय कवि सम्मान, राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश का जो होता है, ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही जो समुद्र मंथन चल रहा है उसमें अनुज जी जो है वो मद्राचल पर्वत हैं, सुरेश लता जी वासुकी नाग हैं, और कच्छपा बता और हम सब लोग जो है वो चंद्रमा है, कोई अरावत है, कोई कामधेनु है, और मैं मदिरा हूँ। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया और यहाँ लाकर मुझे सम्मानित किया। और बात चल रही थी कि बीच बीच में मैं अपनी रचनाएं भी इनकॉर्पोरेट करता चलूँगा, तो आप सबके लिए, आप तो कह रहे थे कि समय बहुत हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अभी और लंबा चलना चाहिए था, तो इस पर एक दो पंक्तियां हैं। मुझे तो वक्त की फितनत से इतना ही गिला है, मुझे तो वक्त की फितरत से इतना ही गिला है, जो मिलना तुमसे हो तो ये हमेशा कम मिला है। मुझे तो वक्त की फितरत से इतना ही गिला है, जो मिलना तुमसे हो तो ये हमेशा कम मिला है। तुम्हारे प्यार की बारिश ने फिर जरखेज कर दिया, तुम्हारे प्यार की बारिश ने फिर जरखेज कर दिया, मेरे जीवन के ऊसर में भी एक कोमल कुंपल खिला। तुम्हारे प्यार की बारिश ने फिर जरखेज कर दिया, मेरे जीवन के ऊसर में भी एक कोमल खिला है। और आप सबके लिए जो महसूस कर रहा हूँ मैं, तुम्हें कैसे गवा दूँ मैं कि साहिल मुझको तुम जैसा है।
मिला। तुम्हें कैसे गवा दूं मैं कि साहिल मुझको तुम जैसा ना आगे मिल सकेगा फिर न पहले ही मिला ना। तुम्हें कैसे गवा दूं मैं कि साहिल मुझको तुम जैसा ना आगे मिल सकेगा फिर न पहले ही मिला है। और शिवानी बिटिया से बात शुरू हुई थी, बहुत खूबसूरत रचना, और बैसाखी की बात बहुत मज़े से चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। मुझे भी लग रहा था कि सुनो बैसाख फिर से आ गया है, सुनो बैसाख फिर से आ गया है, सुनहरा रंग सब पर छा गया है, मेरे भी प्यार की फसलें पकी हैं, मेरे भी प्यार की फसलें पकी हैं, भंवर मन का कहीं भरमा गया है, सुनो बैसाख फिर से आ गया है। और बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिली, नूतन जी ने, रमेश जी ने, संजय जी ने, और यहाँ तक के शक्ति जी ने। जो एक खास बात जो मुझे महसूस हुई कि जड़ों से जुड़ने का जो लगाव है हम लोगों में वो बहुत गहरा है। जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, हमें अभी भी मिट्टी के घर पसंद हैं। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, कल अनुज जी बीड़ बिलिंग तक ले गए थे मुझे, और पूरा इन्होंने अपना गाँव समेत पूरा इलाका घुमा दिया मुझे। और वहाँ मैं इनसे बात भी कर रहा था कि वहाँ चिंता मुझे बड़ी वाजिब लगी कि कवि प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा हो, और ये है और वो है। गालिब तक को भी उसकी मौत के बाद एकेडमी बनाई उसकी, उस समय कोई नहीं पूछता था, उधार की शराब पीनी पड़ती थी। शेक्सपियर को उसके दोस्तों ने 100 साल के बाद उसके नाटक खेलने शुरू हुए। तो साहित्यकार तो सर यही है, जो आम आपने खा रहे हैं वो आपने नहीं लगाए, और जो आप आम लगा रहे हैं वो कोई और खाएगा, ये हमेशा से चलते रहा। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कवि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग अक्सर, मैं ट्रेन का उदाहरण दूँ आपको, शताब्दी है, अब वंदे भारत आ गई है, क्या खूबसूरत ट्रेन है, दिखने में बड़ी सुंदर है। हम उसका सफ़र करते हैं, बड़ी जल्दी पहुँच गई, 4 घंटे में दिल्ली पहुँचा दिया, 3 घंटे में दिल्ली पहुँचा दिया, सीटें बड़ी अच्छी थी, स्पीड बड़ी थी, एसी बड़ा अच्छा था उसका, जो ब्रेकफास्ट उसमें मिला, खाना मिला, बड़ा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं और कोई उस पर बात भी नहीं करता कि वो ट्रैक बड़ी अच्छी थी जिस पर वो चल रही थी। अगर उसका कहीं कोई नट बोल्ट खुला होता तो खन्ना या राजपुरा में उल्टे हुए होते, दिल्ली तो बहुत दूर था, करदार भी नहीं पहुंचे होते। उस ट्रैक की बात कोई नहीं कर रहा, हम साहित्यकार, हम विचारक, वो ट्रैक है, हमारी बात कोई नहीं करता, उल्टा मजाक उड़ाता है, ये तो कवि है, काम क्या करते हो ये बताओ, कविता कोई काम नहीं है, काम क्या करते हो। और मुझे कुछ लोग कहेंगे बिकती हैं किताबें, मैंने कहा आप होटल में जाके जब खाते हैं तो 15,000-20,000 का बिल ऐसे दे आते हैं, 4,500 की वोदका पीते हैं, ये हमारा शौक है, हम 20,000 खर्चते हैं किताब छापने पर, फिर बांटते हैं, ये पढ़ी है। किसान खरबूजे बांटता है क्योंकि उसके यहाँ खरबूजे होते हैं, मेरे यहाँ किताबें होती हैं, मैं किताबें बांटता हूँ। तो हमारा कोई नाम नहीं लेता, लेकिन समाज चलता उसी ट्रैक पर है जो हमने बिछाई होती है। तो अपने आप को कभी कम मत करते हैं, और आपको पता ही नहीं होगा, और आप पर पीएचडी और होगी 2051 में। कुछ नहीं, हमारे एक बार लोककथा की बात चल रही थी तो एक दामोदर झा नाम के लोककथाकार मिले। हम लोग सोचते थे कि ये 1972-73 में शुरू हुई हैं लोककथाएं। पटना में मेरे एक मित्र हैं रामचंद्र यादव, उनको वहाँ की लाइब्रेरी में 1948 की किताब मिली दामोदर झा की, और फिर हमने साबित किया कि ये है पहला हिंदी का लोककथाकार जो पूरा लोककथाकार है, जिसने लोककथा। अब दामोदर झा को ना किसी ने पढ़ा, ना कोई जानता है, ना दामोदर झा के परिवार को पता कि ये कौन है। देखिए वो आ रहा है, आपकी लिखी हुई पुस्तक, आपका कहा हुआ शब्द, आपका जो भी कलाम है वो पता नहीं 1,000 साल बाद निकलेगा कि 500 साल बाद निकलेगा। और प्रसिद्ध होने के लिए, अमर होने के लिए एक ही दुआ काफी है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। और कोई रचना आपको याद हो मलूक दास की तो बताइए, एक दोहे नहीं कर लिया होगा। और होता सर इसलिए क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो समय से बहुत पहले की बातें करते हैं, इसलिए हमारे समकालीन जो होते हैं कंटेम्पररी उनको समझ नहीं आते, उनको समझ 150 साल बाद आती है, इसलिए हमारी प्रसिद्धि 150 साल बाद होगी। आखिर में आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आपकी बात जो है ना उसकी उस
इसको उन्होंने किस तरीके से बढ़िया करके व्याख्या की। मैं इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको देके बात बताता हूँ। अध्यापक हो ना तो बोलने की ज्यादा आदत है। एक 1972-73 में फिल्म आई थी बॉबी, उसका गाना है वो नहीं हम तुम्हें कमरे बंद हो, वो नहीं कर रहा वो गाना है मैं मायके चली जाऊंगी तुम देख देख। उसमें बागे चलकर बड़ी नाराज है, वो मायके चली जाऊंगी, वो कह रहा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, बड़ा कुछ हो रहा। आखिर में क्या हो रहा है, वो कहता है तुम मायके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह जाऊंगा। ये बेटियों की बात चल रही थी, मैं इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। तो वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी तेरे साथ के जान। मतलब वो खुले आप कह रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, अब करके दिखाओ। या वकील भी बैठे हुए शायद आप हैं, मुझे धारा याद नहीं पर कोई है धारा, आप बता दें मैं अगले रेफरेंस पे करूंगा। कौन सी धारा जिसमें दूसरी शादी करते ही आप पर 494 याद रखूंगा 494 ही है। वो तो एक घूरने वाली है मेरा ख्याल। नहीं सर, अगर दूसरी शादी करते हैं तो उसके उसमें 494 वहाँ बात चल रही थी, नहीं 494 धारा थी वो सिंधुड़े महाराज बात चल रही थी। तो बोले कि जब पुरुष घूरता है किसी स्त्री को तो उस पर 494 लगती है। तो पुरुष उठ के बोले, पुरुष उठ के बोले कि नहीं औरतें भी, तो आपको कैसे पता चला, आप भी तो हमें देख रही हैं। दोनों के तो मैंने कहा फिर दोनों 147 लगा लो, 294 क्यों लगाते हो, एक पर दोनों बांट लो आपस में धारा। तो वो गाना जो था मैं मायके चली, ठंडा हो गया और अब देखिए 494 लग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 50 साल में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन पुलिस लेकर आई है, नेता लेकर आए हैं, पॉलिटिशियंस लेकर आए हैं, या फिर कोई और लेकर आए हैं? मैं वकील भी शामिल कर देता हूँ इसमें, कौन लेकर आया है? ये आप जैसे लोग विचारक और आप जैसे साहित्यकार लेकर आए हैं जो बार 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 अभी संवेदनाएं जागृत होगी इसी आदत होती। और उन्हें लग रहा था कि मैंने बहुत अत्याचार कर लिया पत्नी पर, अब आगे से नहीं करूँगा। आज इनका हो गया, इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आत्मज्ञान हो गया, अब यहाँ पर एक मठ स्थापित करूंगा मैं थोड़े दिनों में। जैसे सारनाथ में भगवान बुद्ध को हुआ था बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, या अभिषेक जी को आज तो यहाँ पर प्रेस क्लब में आपका एक मठ वो पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ कि पत्नी पर। वैसे पत्नियों का मैं बात बताऊँ, जो बेटियों की बात चल रही है, आप लोग ऐसे ही घबराते रहते हैं। 80% घरों में पत्नी की ही चलती है, नहीं है चलती तो आप बताएं, पुरुष भी बैठे सब पुरुष के पदले गया दुविधा में फंसे सर। अगर औरत को देखें तो गुना ना देखें तो गुना, बिल्कुल मेरे देख नहीं रहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, और टॉलस्टॉय की बात मुझे याद आ रही है, टॉलस्टॉय ने कहा कि अगर पुरुष ने नारी पर शारीरिक रूप से अधिकार करने की कोशिश की है तो नारी ने पुरुष पर मानसिक रूप से अधिकार कर रखा है। अब पूरी मार्केट में निकल कर चले जाइए, 95% लैंटेनेट जो है वो नारी का सामान भरा हुआ है। पुरुषों का क्या होता है, 2-3 कलर होते हैं, ब्लैक ब्राउन ग्रे पहन लिए, ये देखिए रंग बिरंग, और ये देखिए सफेद काली सामने आपके हाथ कंगन को आरसी गया पवित्र को पास। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, खूब डट के खड़े रहे, आप ही का दौर है और नवरात्र चल रहे हैं, माता की पूजा हजारों वर्षों से हो रही है। अरे माँ का मातृत्व तो सिद्ध है, पुरुष के सामने ही समस्या है पितृत्व सिद्ध करने की, मैं ही बाप हूँ इस बच्चे का। माँ के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो जन्म दिया है, तो जननी को प्रणाम, नवरात्र में उसको प्रणाम, कोई चिंता की बात नहीं। और आज एक और बड़ा अच्छा अनुभव हुआ खासतौर से फरीदाबादियों की तरफ से, हर एक व्यक्ति चाहे वो अजय ज्ञात जी हों, चाहे वो सुदेश दीक्षित हों, विकास जी हों, प्रदीप जी हों, अरविंद जी असर हों, आशुतोष जी हों, सबकी गजलों को सुनकर ऐसा लगा कि ये शेर मैंने क्यों नहीं लिखे, इतने सुंदर शेर, क्या ये कैसे बाजी मार गए, ये आइडिया ये कैसे ले गए, ये तो हमें कहना चाहिए था शेर। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि वाकई बहुत खूबसूरत शेर थे और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपने की है। और यहाँ पर मैं एक विकास जी ने पानी पर बड़ी सुंदर गजल सुनाई थी, विकास जी आपने, मैं धीरे धीरे पहचान भी रहा हूँ, हमें आदत भी है जब नई क्लास आती है तो हमें 2 दिन में ही सबको पहचानना होता है, नहीं तो रोल नंबर भी बुलाना पड़ेगा 102-403। मेरी कोशिश होती है कि भाई नेम समझे साथ हो। तो आपके लिए एक शेर आज है, बीच बीच में अपनी रचना भी डाल रहा हूँ मैं जबरदस्ती,
चंपू गावे बन रहा है ये मेरा भाषण, तो आपके लिए शेर है पानी को लेकर ही है, दो शेर कह देता हूँ अध्यक्ष हूँ तो इतना तो आपके लिए। मेरी पानी सी आदत है रुकावट से जरा बचकर बहना, मेरी पानी सी आदत है रुकावट से जरा बचकर बहना, अगर कोई राह नहीं दोगे तो ऊपर से गुजर जाऊंगा, अगर कोई राह नहीं दोगे तो ऊपर से गुजर जाऊंगा। और एक और शेर है अनुज जी आपके लिए है, जिस तरफ ढाल मिली उस तरफ को बह निकले, जिस तरफ ढाल मिली उस तरफ को बह निकले, हमको भी क्या मिली है पानी की सी फितरत, जिस तरफ ढाल मिली उस तरफ को बह निकले। तो बहुत सुंदर सारी रचनाएं चली और इसमें मैं सबके नाम लूँ, डॉक्टर सत्येंद्र जी, मंजू जी, सुमन बालाजी और ओम प्रकाश जी राणा, अनीता जी, सुमन बालाजी, मैं सबके सामने नतमस्तक हूँ जिन्होंने आज ये अविस्मरणीय हैं इस कवि संग्रह को बनाया और बहुत सुंदर रचनाएं उन सब ने प्रस्तुत की। और लगे हाथ मैं अपनी रचना भी इसमें डाल देता हूँ, आशुतोष जी ने भी कहा कि जहाँ मौका मिले घुस जाओ, उनसे मैंने प्रेरणा ली है, नहीं वो अभिषेक जी से। तो एक छोटी सी कविता आपके नजर है, उसके बाद एक गजल सुनाऊंगा, फिर जाने दूंगा वकील साहब आपको। जीवन में शीर्षक कविता का दूसरी तिथि, जीवन में दो ही तिथियां होती हैं सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में दो ही तिथियां होती हैं सबसे महत्वपूर्ण, एक बर्थडे वाली और दूसरी जिस दिन गिरना होता है जीवन नाटक का पर्दा। जीवन में दो ही तिथियां होती हैं सबसे महत्वपूर्ण, एक बर्थडे वाली और दूसरी जिस दिन गिरना होता है जीवन नाटक का पर्दा। पहली हम हर साल मनाते हैं। क्यों बेटे आपका बर्थडे कब है? 2 सितंबर, जनवरी, 2 जनवरी। अरे एक को जन्म होते तो सारी दुनिया को मना, थोड़ा लेट हो गया। पहली हम हर साल मनाते हैं लेकिन दूसरी का नहीं होता किसी को पता, पहली हम हर साल मनाते हैं लेकिन दूसरी का नहीं, नहीं होता किसी को पता, वैसे हर साल गुजरते हैं इसके ऊपर से, वैसे हर साल गुजरते हैं इसके ऊपर से बिना जाने कि यही है वो, राउंड फिगर रह जाते हैं जब बाकी के बचे साल, वैसे हर साल गुजरते हैं इसके ऊपर से बिना जाने कि यही है वो, राउंड फिगर रह जाते हैं जिस दिन बाकी के बचे साल, जब चला जाता है कोई तभी पता चलता है इसका, जब चला जाता है कोई तभी पता चलता है इसका कि यही थी वो, पहले भी हर साल आई थी बाद में भी हर साल आई कि यही थी वो, पहले भी हर साल आई थी बाद में भी हर साल आई। ये कविता थी छोटी दूसरी तिथि और सबसे अंत में एक गजल आप लोगों की, क्योंकि तो गजल के बड़े बड़े पूरे रोदा बैठे हैं तो मेरा मन किया कि एक गजल आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। मकता पेश है, ये छोटा सा सफर है इसमें अब क्या होना बाकी है, ये छोटा सा सफर है इसमें अब क्या होना बाकी है, बचे हैं उम्र के कुछ पेज जिनका खोना बाकी है, ये छोटा सा सफर है इसमें अब क्या होना बाकी है, बचे हैं उम्र के कुछ पेज जिनका खोना बाकी है, अगर ढूंढूं वहां शायद सलामत खुद को मिल जाऊं, अगर ढूंढूं वहां शायद सलामत खुद को मिल जाऊं, मेरे अपने ही दिल का एक छोटा कोना बाकी है। अगर ढूंढूं वहां शायद सलामत खुद को मिल जाऊं, मेरे अपने ही दिल का एक छोटा कोना बाकी है। और अजय जी आपके लिए खास, सभी घोड़े
जमीर और फर्ज के कल बेच डाले थे। सभी घोड़े जमीर और फर्ज के कल बेच डाले थे, फकत अब तो सिराहने बांधे के सोना बाकी। सभी घोड़े जमीर और फर्ज के कल बेच डाले थे, फकत अब तो सिराहने बांह देके सोना बाकी है। बेईमानी जरो ताकत का साबुन काम कर गया। बेईमानी जरो ताकत का साबुन काम कर गया। बचा है दाग, बोलो कौन सा जो धोना बाकी। बेईमानी जरो ताकत का साबुन काम कर गया। बचा है दाग, बोलो कौन सा जो धोना बाकी है। और मैम के लिए खास शेर, हमारा इश्क आधी कामयाबी कर चुका हासिल। हमारा इश्क आधी कामयाबी कर चुका हासिल। मैं उनका हो चुका, अब उनका मेरे होना बाकी। हमारा इश्क आधी कामयाबी कर चुका हासिल। मैं उनका हो चुका, अब उनका मेरे होना बाकी है। निकालो वक्त मकतब शेर, निकालो वक्त एक दिन आके साहिल खुद बता जाओ। निकालो वक्त एक दिन आके साहिल खुद बता जाओ कि जज्बों का ये बोझा और कितना ढोना बाकी। निकालो वक्त एक दिन आके साहिल खुद बता जाओ कि जज्बों का ये बोझा और कितना ढोना बाकी है। छोटा सा सफर है, इसमें अब क्या होना बाकी है। बच्चे हैं उम्र के कुछ पेज जिनका खोना बाकी है। माँ सरस्वती की कृपा है, शब्दों की कृपा उन्होंने हम पर की है, लेकिन हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया। अज्ञे की व्यवस्था किया जो कहना चाहता था, कुछ ना कुछ रह गया, यहाँ भी रह गया, क्योंकि अल्फाज कभी साथ नहीं दे पाते। और मुझे अक्सर लगता है और अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि कल रात मेरे अल्फाज हाँफे हुए आए मुझ तक। कल रात मेरे अल्फाज हाँफे हुए आए मुझ तक, बोले जो हमसे नहीं उठता तेरे एहसास का बोझ। तो आज भी इतना कुछ कहने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जो मैं अनुभव किया, जो मैंने और जो आप लोगों की संगत में रहकर जो असीम आनंद की प्राप्ति मुझे हुई, अनिर्वचनीय आनंद की जो प्राप्ति हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ अपने पास आके बैठने का मौका। वखरा हो गए बैठों के थे जाने, वखरा हो गए बैठों के थे जावा, ये लिखते हैं मैं की फोटो लगा के कोई पोस्ट कर दिया तो अब मुझे लगता है कि जो आधी कामयाबी थी मुकम्मल हो चुकी है। और जो आरोप लगा मंच को प्रणाम, और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों बुद्धिजीवियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाहर से भी शक्ति अंकल जी ने सुबह बताया था कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, और उन्हें अपने बीच पाकर और उनके कलाम, उनकी गज़लें, उनकी कविताओं को सुनकर बहुत आनंद आया। सभी ने बहुत ही एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की, उसके लिए मैं आपका आभार और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सब परिवार है, सब परिवार है, हाँ, सभी का अभिनंदन है। ये एक बहाना था यहाँ पर एकत्रित होने का, जो इसमें कभी मैं हूँ और शक्ति अंकल जी का एक हमें वैसे ही बहुत बड़ी शक्ति रहती है, भरोसा रहता है कि अगर इस प्रकार का कोई आयोजन यहाँ पर करना है बैजनाथ क्षेत्र में,
तो कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। अंकल बैठे हैं, इन्होंने संभाल लेना है। और अंकल से भी आगे निवेदन रहेगा कि अगली सेकंड लाइन ऑफ जो लीडरशिप है वो भी अब बिल्कुल उसको भी आप जिम्मेवारियां सौंपना शुरू कर दें, ताकि ये जो शेष साहित्य सदन और राष्ट्रीय कवि संगम का ये जो बैनर तले जो आपके हमारे कार्यक्रम होते हैं वो चलते रहे। मैं थोड़ा सा मेरा तो पूरा ही हाथ तंग है कविता के क्षेत्र में, लेकिन एक विधा है जो स्तंभ लेखन है बहुत अच्छे ऊपर है, तो उसमें मैं माँ सरस्वती का, अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वाद है उनका कि इस विधा में चलो, पिछले 12-13 सालों से जब से बहुत से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं फिर अपने क्षेत्र में एज ए टीचर फिर से आया, तो सिलसिला शुरू किया लिखने का, तो 500 से ज़्यादा आर्टिकल लिख चुका हूँ, 3 किताबें भी हैं। तो यहाँ बीच में एक मौका आया था कि PhD कहीं दिल में एक चाहत थी कि हो जाती तो अच्छा था, नाम क्या के डॉक्टर बनना तो कौन नहीं चाहता है। तो वो मैंने 19 जुलाई 2019 में मैंने सिटी यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, वहाँ पर वो उनकी ऐड आई तो मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद 6 महीने के बाद कोर्स वर्क के लिए उन्हें हमें बुलाया 15-20 दिन के लिए, तो वहाँ गए तो आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र साहिल साहब जो है हमारे गाइड के तौर पर हमें मिले, और वो 15-17 दिन जो है वो उनकी क्लासेस भी हमने अटेंड करी, और बाकी जो एग्ज़ाम जो होते हैं छोटे छोटे एग्ज़ाम भी लेते रहे, और बहुत दयालु हैं, इन्होंने पास भी करते रहे इनके सानिध्य में रहकर बहुत सी बातें सीखी, और ये समझ में आया कि हिंदी का जो वास्तविक जो ज्ञान है वो सबके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इन्होंने हमें सारे नोट्स अपने खुद के हाथ के लिखे हुए बहुत ही सुंदर हस्त लिपि में वो लिखे इन्होंने, और हमें हम 5-7 स्टूडेंट थे उनको उन्होंने दिए। उसके बाद साइनोप्सिस वगैरह सबमिट होना था, वो मैंने शेयर भेज दिया।